दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हुआ हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस पे भी वीडियो बनना चाहिए क्योंकि एक ये टॉपिक छूटा हुआ था। ठीक है, लगभग लगभग मैंने सभी चीज़ें कवर कर दी। आप हिंदी ग्रामर में आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, आप यूट्यूब पर मोहित शुक्ला आप सर्च कर लेंगे या हिंदी बाई मोहित शुक्ला सर्च कर लेंगे, आपको आराम से मेरे द्वारा जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा जितने भी आपको हिंदी के टॉपिक चाहिए, और जो झूठा है आप कमेंट कर लिया कीजिए। ठीक है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दो तीन नंबर चार नंबर का हर बार परीक्षा में आ जाता है, तो कैसे पहचानेंगे? परीक्षा का प्रश्न जैसे ही बन जाता है कि जैसे चार ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है या इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा पुल्लिंग है कौन सा पुल्लिंग नहीं है, इस प्रकार से शब्द बनता है। तो दोस्तों इसकी जो तरीका है, इसका जो ट्रिक है, केवल एक तरीका है इसको पहचानने का। रटने वाला काम तो जिंदगी भर चलता रहता है, अगर आप रटना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर रट भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, रटते रहिए एक एक शब्द, कितने शब्द रटेंगे, है ना। तो थोड़ा तरीका होता है। अब जैसे कि मैं ग्रुप में भी डिवाइड कर दूंगा, मैं यहाँ पे बता भी दूंगा आपको स्पेशली ग्रुप को, आप वहाँ पर भी देखेंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रटना होगा। मैं आपको तरीका समझाऊंगा, उसके लिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। ठीक है, और लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के साथ चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आम जीवन में जैसे कोई भाषा किसी भी शब्द का चयन करते हैं, उसको उच्चारित करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग किताब बोलते हैं, ठीक है, तो किताब बोलते समय क्या होता है, क्या बोलते हैं हम, किताब पढ़नी चाहिए, किताब को क्या होता है, किताब पढ़नी चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से अब उससे हमको समझ में आ रहा है वे कैसा शब्द आ रहा है, स्त्रीलिंग। अब हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर हम सोमवार की बात करें तो बोलते हैं सोमवार का मतलब, सोमवार पहले आप ये बता दीजिए है क्या, तो सोमवार एक दिन है। ठीक है, तो जब सोमवार दिन है तो बोलते हैं आज कौन सा दिन है, पूछते हैं ना, ये थोड़ी पूछते हैं कि आज कौन सी दिन है, ये पूछते हैं कभी, सीधे बोलते हैं आज कौन सा दिन है। यानी जितने जो सप्ताह में जो दिनों के नाम होते हैं वे कैसे होते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं, चाहे सोमवार हो जाए, शुक्रवार हो जाए, मंगलवार हो जाए, बुधवार हो जाए, तो जितने भी दिनों के नाम हैं वे कैसे हो जाएंगे दोस्तों, वे हो जाएंगे पुल्लिंग। ठीक है, तो आप ये बात दिमाग में पहले बैठा लीजिए। तो जिस प्रकार से यहाँ पे दिन हो गया, ठीक, ऐसे ही अब आगे आइए। जैसे अगर हम बात करें हिमालय की, तो उत्तर खड़ा हिमालय ना कि उत्तर खड़ी हिमालय बोलते हैं कभी, हम लोगों ने गाना भी सुना है लोकगीत में भी, और जो देशभक्ति का गीत होता है बोलते हैं ना उत्तर खड़ा हिमालय, तो वो खड़ा हुआ है, यानी हिमालय खड़ा है, यानी कैसा है, वो पुरुषवाचक है। इसका मतलब जितने भी पहाड़ियाँ होती हैं वे कैसे होती हैं, जो पहाड़ियाँ हैं वे पुरुषवाचक संज्ञा होती है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे दिन बताया मैंने, फिर यहाँ पे पहाड़ बता दिया, दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं सब किस में आएंगे, पुल्लिंग शब्द के हो जाएंगे। अब आगे आइए, अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि बनाई, क्या सही होता है, क्या अमेरिका ने कभी भारत पर दबाव बनाई, नहीं ना, अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया, भारत 4 रन से जीता। ठीक है, भारत 4 विकेट से जीता, तो ना कि जीती, भारत जीतती है क्या, नहीं जीती, भले ही अगर वुमेन भी होगा, अगर महिला क्रिकेट भी होगी, महिला गेम भी होगा, तो उसमें भी जीता ही बोलते हैं, ना कि जीती बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से, लेकिन टीम जैसे हो गया ना, महिला टीम जो है जीती, लेकिन भारत जो है जीता, तो यानी जितने भी देश के नाम हैं इस दुनिया में वे सारे कैसे हो जाएंगे, वे पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक, अब आइए पेड़ पे, अभी मैं अपवाद बाद में बताऊंगा, ये मत कहिएगा कि जो अपवाद है छोड़ दिया जा रहा है। देखिए महुआ नीम चावल जौ, ठीक है, जैसे नीम का पेड़ बहुत लाभदायक होता है कि होती है, क्या बोलते हैं, नीम का पेड़ या नीम का पेड़ शरीर के लिए या मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, तो दायिका नहीं है, लाभदायक है, लाभदायक होता है ना कि होती है। इस प्रकार से जितने भी पेड़ हैं
लगभग लगभग ये जो पेड़ के नाम है वे कैसे हो जाते हैं दोस्तों, जो पेड़ के नाम है पीपल, तो वो सारे कैसे हैं, वो पुल्लिंग शब्द हैं। अगला देखिए, जैसे चावल, जौ, जैसे जो क्या है ये अन्न है, ठीक है, जैसे चावल खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोलते कि चावल नहीं खानी चाहिए, नहीं बोलते ना, जौ नहीं खानी चाहिए। दाल के बारे में बोलते हैं दाल खानी चाहिए, दाल नहीं खानी चाहिए, वो स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पे जैसे चावल हो गया, जौ हो गया, ये सब अन्न कैसे हो जाते हैं, ये मैक्सिमम अन्न जो होते हैं वे कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। एक दो अपवाद होते हैं जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आइए मेटल पे, मेटल मतलब क्या हो गया, यहाँ आपके जैसे आपका तांबा हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, ठीक, ये सब कैसे हैं, तो देखिए जैसे तांबे का बर्तन, कि तांबे की बर्तन थोड़ी बोलते, तांबे का बर्तन बोलते हैं। सोना महंगा होता है, ठीक है, सोना महंगा है ना कि महंगी है, सोना महंगी थोड़ी नहीं होती है, सोना महंगा होता है, तो सोना हमारा कैसा है, पुल्लिंग है। हीरा कठोर होता है ना कि कठोर होती है, आपने सूर्यवंशम में देखा होगा उनका नाम भी हीरा ठाकुर था, ठीक है। अगला देखिए, जैसे यहाँ पे नीलम पहना जाता है, ठीक, नीलम पहना जाता है। अब ये यहाँ पे है ये महीनों के नाम, जैसे ज्येष्ठ, बैसाख, चैत्र, सावन, ठीक है, फागुन, इस तरीके के जो महीने के नाम होते हैं वे भी कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक। जैसे ज्येष्ठ का महीना आया, बैसाख का महीना आया, ठीक है, सावन का महीना आया, सावन की महीना नहीं आता है, सावन का महीना आता है, ठीक। अगला देखिए, जैसे अब यहाँ पे खानदान, रक्तदान, खानदान का नाम रोशन करना ना कि खानदान की नाम रोशन करनी, ऐसा नहीं होता, खानदान का नाम रोशन करना ये होता है। रक्तदान, रक्तदान महादान, आपने रक्तदान किया क्या, ठीक, पूछते हैं रक्तदान किया कि नहीं किया, यस तो नहीं बोलते, रक्तदान की मतलब रक्तदान के लिए, अगर किसी विशेष की, अगर केवल अगर रक्तदान की बात करें, अगर इसके आगे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द ना जोड़े तो रक्तदान कैसा हो जाएगा, ये हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम जितने भी हम दान करने वाली चीज़ें होती है ना, रक्तदान, महादान, इस तरीके का जो हो गया है वे पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। देखिए अगला, जैसे धोखेबाज, ये कैसा शब्द है, एक पुल्लिंग शब्द है। धनवान, यहाँ पे देखिए जो वान वाला शब्द होता है, ठीक है, धनवान, ठीक, ऐसे अगर कहीं आ जाए तो वो कैसा शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, जिसके लास्ट में वान लगाओ। आगे देखिए, अब यहाँ पे जैसे सील वाला भी होता है, ठीक है, जैसे संवेदनशील, सुशील, इस तरीके के शब्द भी कैसे होते हैं, ये सब भी पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पे जैसे बनावट, ये वट आ जाएगा, ठीक, तो इस तरीके का भी जो शब्द हो गया ये पुल्लिंग हो गया, ठीक। आगे देखिए, जैसे दुकानदार, थानेदार, चौकीदार, ये सारे शब्द कैसे हैं दोस्तों, ये सारे शब्द भी कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। पहचानने का तरीका आप लोग बस समझते चलिएगा, ऐसे ही पहचानते हैं, बोल बोल के पहचान रहा हूँ मैं, आप लोग थोड़ा मेरा तरीका फॉलो कर रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ उससे संबंधित एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ, जैसे दुकानदार दुकान पर बैठा है ना, इस तरीके से दुकानदार बैठा है। अगला देखिए, परिवार, परिवार में एकता होना चाहिए, ठीक है, परिवार में एकता होना चाहिए। आगे देखिए, अधिकारी, अधिकारी कैसा शब्द है, ये एक पुरुषवाचक शब्द है, अधिकारी, चपरासी, ठीक है, जो पद वाले होते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे भी पुल्लिंग हो गए। अगला देखिए, भोजनालय, भोजनालय, विद्यालय, ठीक है, शिवालय, जितने भी जैसे आलय होते हैं वो भी क्या होते हैं दोस्तों, वो भी पुल्लिंग होते हैं। सेनापति, सेनापति क्या है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में पति लग गया तो पति तो पुरुषवाचक होता ही है, सेनापति, विद्यापति, मतलब जैसे भी लास्ट में पति लग जाए वे क्या होगा, हमारा पुरुषवाचक। न्यायाधीश पुरुषवाचक होता है, ठीक है, न्यायाधीश कैसा शब्द है, पुरुषवाचक होता है। अब देखिए, जैसे खिंचाव, खिंचाव में क्या है, लास्ट में व प्रत्यय, ठीक है, आव प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, तो जैसे खिंचाव, मोटाओ, मन मोटाओ, तो ऐसे शब्द कैसे हो जाएंगे दोस्तों, ये पुरुषवाचक, ठीक है, यानी पुल्लिंग। बचपन, ठीक है, ये देखिए बचपन जैसे हो गया अन, उसके बाद त्व प्रत्यय, ये सब कैसे हैं, पुरुषवाचक। बुढ़ापा, पा प्रत्यय, आपा, ठीक है, तो इस तरीके से। ये मछली थोड़ा स्त्रीलिंग है, अभी इसको बाद में देखेंगे, अभी यहाँ आइए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे घी है ना, घी पियो मस्त रहो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं कुछ कि कर्जा लेके घी पियो,
ऐसा नहीं तो घी पीनी चाहिए नहीं बोलते हैं, घी पीना चाहिए। ठीक, तो ये पुरुषवाचक है। दही खाना चाहिए, सुबह जब घर से बाहर निकलते हैं तो दही खाकर जाना चाहिए, ठीक, ना कि दही खानी चाहिए, दही खाना चाहिए। तो इसलिए कैसा शब्द है ये, पुरुषवाचक है। पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, ना कि पानी पीनी चाहिए, पानी पीते हैं, पीना ना पुरुषवाचक है। जैसे मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं बोल बोल के सोच रहा हूँ कि इसका हम प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, आपको अभ्यास करना है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दोबारा कभी गलत नहीं होगा, तरीका बस फॉलो करते रहिएगा। शरबत, शरबत पीना चाहिए, ठीक है, शरबत गर्मी में शरबत पीते हैं। ठीक, गंगा मैया, ठीक है, गंगा मैया, नर्मदा नदी हो गई, तो कहने का मतलब जो नदी के नाम है वो सब कैसे हो जाएंगे, ये नदी के नाम हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे गंगा, नर्मदा, इन कुछ नदियाँ होती हैं जिसमें पुल्लिंग, जैसे सिंधु नदी, ठीक है, तो ये पुल्लिंग में आ जाएगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो अपवाद में होती हैं, यहाँ पे अपवादों को हम दूर रख रहे हैं, एक चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, मतलब बाद में ये मत कहिएगा कि सर इसमें तो ऐसा भी होता है, इसमें ऐसा होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपवाद यहाँ से दूर है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे उदाहरण ले रहा हूँ कि मैक्सिमम शब्द यहाँ पे ही आते हैं, जो अपवाद हैं वो अपवाद हैं। ठीक, कुछ अपवाद मैं आपको बता भी दूंगा। देखिए, अब जैसे यहाँ पे जो तारीख, तिथि होती है, ठीक है, इसको हम लोग तिथि कहते हैं, जैसे तीज, ठीक है, दूज, जैसे भाई दूज होता है, चौथ हो गया, जैसे करवा चौथ होता है, ये सब कैसे शब्द है, ये सब स्त्रीलिंग के लिए है। ठीक, आगे देखिए, गणंत, यहाँ पे अंत है, यहाँ पे न तो आधा न और त वाला अगर कहीं भी लगा रहेगा तो याद रखिएगा स्त्रीलिंग है। मनुष्यता, मनुष्यता कैसी होती है, देखिए यहाँ पे होती है, ठीक, मनुष्यता होती है, तो यहाँ पे मैंने कैसे बोला होती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। सिलाई करनी चाहिए, सिलाई करनी चाहिए। सजावट अच्छी है, ना कि सजावट अच्छा है, बोलते हैं क्या, कभी सुना है कि आज तुम्हारे घर में बहुत अच्छा सजावट हुआ है, बोलते हैं आज तुम्हारे घर में अच्छी सजावट हुई है। ठीक, घबराहट, मुझे घबराहट हो रही है, ना कि घबराहट हो रहा है, आज मुझे घबराहट हो रहा है अंदर से, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। किताब पढ़नी चाहिए, मैंने एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में, सेना भेज दो, ठीक है, सेना की टुकड़ी आती है, सेना आती है। ठीक, सभा आयोजित की जाती है, सभा लगी है, ना कि लगा है, सभा लगा है क्या कभी, नहीं ना। जनता माफ नहीं करेगी, बहुत ही फेमस डायलॉग है, जनता माफ नहीं करेगी, तो यहाँ पे करेगी बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है, ये स्त्रीलिंग है। आप लोग तरीका समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैं बस जो समझाना चाहता हूँ वो बस आप लोग समझ लीजिए, कितने एग्जांपल्स मैंने लिए हैं आपको, तरीका बस बताने के लिए किस तरीके से मैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग को सॉल्व करता हूँ और आपको कराना चाहता हूँ। तो जनता माफ नहीं करेगी। ठीक, जाति, किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, पूछनी ना कि पूछना चाहिए। ठीक, पुलिस आएगी और उठा ले जाएगी, ठीक है, पुलिस आएगी और उठा ले जाएगी। सरकार गिर गई, सरकार गिर गई, सरकार ने अच्छा काम किया, सरकार गिर गई, तो ये कैसा है, स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों, मछली, मछली तो आपको पता ही है स्त्रीलिंग है। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से आप यूँ समझ सकते हैं कि ये जो है हमारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग यहाँ पे होता है। अब आते हैं कुछ अपवाद, कुछ अपवाद समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने चांदी लिखा था, जैसे मैंने बोला था जितने भी धातु होते हैं वे कैसे होते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जैसे चांदी की पायल तो ये पुल्लिंग होता है, इमली का पेड़, नारंगी, ठीक है, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मकई, मड़ी जो होती है, मड़ी होती है, पहनी जाती है, ना कि पहना जाता है ना। तो इस प्रकार से कुछ अपवाद होते हैं। आप लोग और अपवाद ढूंढिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपवाद ढूंढिए, उसको आप लोग पढ़िए, और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें जो हैं आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसके बारे में चाहे आप लिख लीजिए, कहीं नोट्स बना लीजिए, मैं अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा यहाँ पे चीज़ें जो हैं क्लियर हुई हैं। तो वीडियो कैसा लगा जल्दी से बताएं कमेंट में, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और कौन सा टॉपिक आप लोग चाहते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।